अगर आप इस वीडियो का थंबनेल पढ़ के यह वीडियो देखने आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि डिविडेंड के कमाई से कैसे बहुत ही आसानी से हम अपने घर का खर्च निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि शेयर बाजार से कमाई करने के हमारे पास सिर्फ चार तरीके होते हैं, और शेयर बाजार से कमाई किसी भी तरीके से करें, कमाई होता है और ज़बरदस्त होता है। सबसे जो पहला तरीका है वो तो यही है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लीजिए और उसके बाद जब उस शेयर का प्राइस बढ़े तो बेच दीजिए। एक कमाने का तरीका यह है। दूसरा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग करके भी लोग पैसा कमाते हैं। हालांकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कमाई भी सबसे ज़्यादा और सबसे कम समय में ज़बरदस्त होता है। नंबर तीन पर आता है डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और नंबर चार पर आता है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके जरिए भी लोग शेयर बाजार से पैसा कमाते हैं, और इसे पैसा कमाने का सबसे सेफ जरिया माना जाता है शेयर बाजार में। हालांकि डिविडेंड भी सबसे सेफ तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा धीरज रखना होता है, थोड़ा इंतजार करना होता है। चलिए समझते हैं ये डिविडेंड होता क्या है। देखिए दोस्तों, कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जब अपने शेयर होल्डर के साथ साझा करते हैं तो उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो आपने जाना डिविडेंड क्या होता है। अब हम लोग यह जानते हैं कि भारत में कौन सी कंपनियां हैं जो डिविडेंड सबसे अधिक देती हैं, यानी कि साल में सबसे ज़्यादा बार जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं। नंबर एक पर है वेदांता लिमिटेड। हम जानते हैं कि वेदांता लिमिटेड काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का। अभी इस कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है सिर्फ 253 रुपया है, लेकिन कुछ समय पहले तक इस कंपनी का शेयर प्राइस 400-450 के आसपास हुआ करता था। अभी डाउन होने के बाद इतना आया है। इस कंपनी का प्रॉफिट अगर देखेंगे तो साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। अब अगर बात करें रिटर्न का, तो वेदांता का रिटर्न देखिए, इसके रिटर्न में काफ़ी जिग जैग वाला पोजिशन रहता है। एक माह का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 16% रिटर्न सिर्फ एक माह में दे दिया है, लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे एक साल का रिटर्न तो साल भर में इसका रिटर्न -18% है। हालांकि ये अलग बात है कि कंपनी डिविडेंड शानदार देती है, इसका डिविडेंड परसेंट जो है 18% है। तो यहाँ भले साल भर में इसका रिटर्न 18% निगेटिव में चला गया है, लेकिन डिविडेंड के जरिए जो आपको कमाई हुआ है अलग से, वो इस रिटर्न जो निगेटिव में गया उसकी भरपाई कर देगा। सिर्फ 2022 में वेदांता ने 3 अभी तक डिविडेंड दिया है, और अभी आधा साल इस साल में 2022 में बचा हुआ है, यानी कि अभी 2 और डिविडेंड मिलने के चांसेस हैं। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में इसने 2-3 डिविडेंड दिया था। मतलब साल में ये कंपनी 3-4 आराम से डिविडेंड देती ही देती है, इसलिए जो डिविडेंड के लवर हैं वो इस कंपनी को अपने स्टॉक में जरूर रखते हैं। अब अगली कंपनी की बात करें दोस्तों, तो अगली कंपनी है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड भी गवर्नमेंट की स्टॉक है, यानी कि सरकारी कंपनी है, और ये बेसिकली फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका वर्तमान शेयर प्राइस चल रहा है 134 रुपया। इसका प्रॉफिट भी साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। रिटर्न देखेंगे एक माह में 3% और एक साल में -13%, यानी कि साल भर का जो इसका रिटर्न है वह निगेटिव में है, लेकिन अगर इसका डिविडेंड परसेंट देखेंगे तो 11.5% के आसपास है। यानी कि यहाँ पर जो आपको लॉस हुआ है, इसके डिविडेंड से उसकी भरपाई आपको हो जाएगी। और 2022 में इस कंपनी ने 2, हालांकि अभी 2022 में और भी दिन बचे हैं, तो यानी कि 1-2 डिविडेंड आपको और आसानी से इसमें मिल सकता है। 2021 में इसने 4 डिविडेंड दिया था। दोस्तों, एक बात हमें यहाँ समझना होगा कि एक साल का रिटर्न जो आप यहाँ पर निगेटिव में देख रहे हैं या यहाँ पर भी आपने निगेटिव में देखा, आपको मैं बता दूँ कि जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो किसी भी कंपनी का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता ही है, और यानी कि जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो साल भर का रिटर्न जो निगेटिव में है वह पॉजिटिव में आ जाएगा, और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है, तो उसका मजा भी कुछ अलग ही रहेगा। नंबर तीन पर जो कंपनी, उसका नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया PSU स्टॉक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के स्टॉक है, और यह कोल के माइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुई काम करती है। इसका वर्तमान शेयर प्राइस 208 रुपया है। प्रॉफिट देखेंगे तो 2019 के बाद अभी 2022 में यह स्टॉक जाकर प्रॉफिट में आया है। इसके पहले 2 तक निगेटिव में ही था, क्योंकि कोरोना आ गया था। रिटर्न देखेंगे तो एक माह में 14% और एक साल में 45.51% का रिटर्न दिया है, यानी कि साल भर पहले भी अगर आपने इसमें 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो अभी तक वो आपके 1.5 लाख रुपये के करीब बन चुके होते हैं। और डिविडेंड परसेंट देखेंगे तो 8.16% है, यानी कि साल भर में कंपनी 8-9% रिटर्न आपके सिर्फ डिविडेंड से यह कंपनी दे रही है। यानी कि एक तो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, उससे जो कमाई हो ही रहा है, उसके अलावा डिविडेंड से भी इस स्टॉक में शानदार कमाई हो रही है। नंबर चार पर है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल भी एक PSU स्टॉक है, और यह पेट्रोलियम सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर इसका वर्तमान शेयर प्राइस देखें तो सिर्फ 73 रुपया है, यानी कि इस शेयर का प्राइस काफ़ी कम है। और इसका अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 2019 के बाद अभी 2022 में यह स्टॉक प्रॉफिट में आया है। डिविडेंड परसेंट देखेंगे तो 11.5% के आसपास है, यानी कि साल भर में 11.5% कमाई सिर्फ डिविडेंड से हो जा रही है। इतना शानदार रिटर्न तो आपको बैंक में भी नहीं मिला, किसी भी दूसरे ऐसा इन्वेस्टमेंट का कोई जरिया नहीं है जहां इतने कम समय में इतना अच्छा रिटर्न आपको मिल जा रहा है। इसके अलावा बात करें 5वें नंबर पर जो कंपनी, उसका नाम है आयल इंडिया। आयल इंडिया भी गवर्नमेंट की कंपनी है, आयल एंड गैसेस के या प्रोडक्शन से जुड़ी हुई काम करती है।
अगर इसका शेयर प्राइस देखें तो वर्तमान में शेयर प्राइस 200 रुपये के आसपास चल रहा है, और प्रॉफिट देखें तो इस कंपनी लगातार प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि देखिए आयल और गैस की जरूरत हर व्यक्ति को है। भारत की आबादी काफ़ी अधिक है, सबको आयल और गैस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए इन सब सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनी है उनके शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। और चूंकि 7.5% डिविडेंड परसेंट इस स्टॉक का है, यानी कि साल भर में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इस कंपनी में उस पर 7.5% या 8% रिटर्न सिर्फ डिविडेंड के जरिए आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 4-5 स्टॉक भी हैं तो डिविडेंड से आप साल भर में काफ़ी अच्छा खासा कमा सकते हैं, जिससे आपका सिर्फ ना पर्सनल जरूरत पूरा होगा बल्कि आपके परिवार का खर्च भी आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो इन दिनों कंटिन्यू नहीं आ रहा है मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए अगस्त के बाद से वीडियो कंटिन्यू आने लगेगा, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।